इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्टाई यानी कि आईलिड्स में होने वाले इन्फेक्शंस को जल्दी ठीक कर सकते हैं। हाय, मैं हूं ऑप्टोमेट्रिस्ट आशिमा भार्गव। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा कि स्टाई क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मेरे चैनल सेकेंड साइट आई क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको मेरे नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि क्या होता है स्टाई। बेसिकली आंखों की लिड्स पर होने वाले इन्फेक्शन को हम स्टाई कहते हैं। इसे हिंदी में गुहेरी या आंखों पर होने वाली फुंसी भी कहा जाता है। स्टाई कई टाइप्स के हो सकते हैं जिसमें सबसे कॉमन है होडियोलम एंड कलेजियन। कलेजियन का मेन कॉज होता है हमारी आईलिड्स में ऑयल ग्लैंड्स का ब्लॉक होना, जबकि होडियोलम एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इन दोनों टाइप के स्टाई में सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे आईलिड्स पर स्वेलिंग होना, आईज ब्लिंक करने पर पेन होना, आंखों में इरिटेशन होना, आंख से पानी आना, सो के उठने के बाद आंखों में चिपचिपापन होना और कभी कभी आईलिड्स पर पिंपल जैसे व्हाइट हेड का फॉर्म होना। अब हम बात करते हैं स्टाई के ट्रीटमेंट की। स्टाई ठीक करने का सबसे असरदार तरीका है वॉर्म कंप्रेशन। इसके लिए एक साफ कपड़े को आयन या माइक्रोवेव की मदद से गर्म कर लें और इस गर्म कपड़े से इन्फेक्टेड एरिया की सिकाई करें। ये वॉर्म कंप्रेशन आपको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 बार करना है। आजकल मार्केट में वॉर्म कंप्रेशन के लिए आई मास्क भी अवेलेबल है। अगर सुबह उठने के बाद आपकी आंखों में चिपचिपापन है तो उसे हटाने के लिए पहले पानी बॉयल कर लें, फिर जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो एक साफ कॉटन की हेल्प से अपनी लिड्स को क्लीन करें। याद रहे, आपको अपनी आंखों को नॉर्मल टैप वाटर से बार बार धोना नहीं है, इससे आपका इन्फेक्शन और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी बातें जिनका हमें ध्यान रखना है, जैसे अपनी आंखों को बार बार टच या रब ना करें। अगर आपकी आईलिड पर स्टाई ने पिंपल जैसा व्हाइट हेड फॉर्म कर लिया है तो इसे फोड़ें नहीं, इस स्टाई के वॉर्म कंप्रेशन से ही ड्रेन होने का वेट करें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो इन्फेक्शन ठीक होने तक उसे यूज़ ना करें और ध्यान रखें जब तक इन्फेक्शन ठीक ना हो तब तक अपनी आंखों पर काजल, लाइनर या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ ना करें। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स भी सजेस्टिव होती हैं जिससे आईज में दूसरा इन्फेक्शन ना हो। अगर आपका स्टाई ठीक नहीं हो रहा या बढ़ रहा है तो अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाने में देर ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल द सेकेंड साइट आई क्लिनिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही मिलूंगी नए वीडियोज़ के साथ।